This video is powered by TunesGo. Check description for more information. दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अक्सर मुझसे पूछते हैं एंड्रॉइड फोन्स में माइक्रो एसडी कार्ड्स के सपोर्ट को लेके बहुत सारे सवाल। आपके सवाल होते हैं अक्सर कि आपने फोन में कितने जीबी तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करता हूँ ओटीजी ड्राइव की तो आप अपने फोन में कितने जीबी तक का पेन ड्राइव लगा सकते हैं, हार्ड ड्राइव आप कितने जीबी तक कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज आप वीडियो देखते रहिए और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपके उनमें चल रहे उन सभी सवालों के जवाब आपको दे देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आईफोन्स तो पिक्चर से बाहर हैं, वो तो बस देखते हैं दूर खड़े माइक्रो एसडी कार्ड्स की तरफ, लेकिन आपको बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स में दोस्तों ऑप्शन मिलता है माइक्रो एसडी कार्ड का। कई बार लिखा होता है कि अप टू 32 GB, कई बार लिखा होता है अप टू 64 GB, कई बार लिखा होता है अप टू 2 TB। तो यहाँ पे दोस्तों रियालिटी क्या है, क्या वो लिमिट्स हैं और किस तरीके से अपने फोन में आप किस कैपेसिटी तक का माइक्रो एसडी कार्ड यूज कर सकते हैं, यही मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एसडी कार्ड्स को लेकर, तो यहाँ पे जो एसडी एसोसिएशन है दोस्तों, वहां पे आपको अलग अलग साइज देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली माइक्रो एसडी कार्ड है, मिनी एसडी कार्ड है, एसडी कार्ड है। लेकिन दोस्तों ये तो बात हुई फिजिकल साइज की, और आप सभी जानते हैं कि आपके फोन में आपको देखने को मिलता है माइक्रो एसडी कार्ड। लेकिन अगर दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं यहां पे कैपेसिटी के बेस पे, तो आपको यहां पे अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले दोस्तों आए थे एसडी कार्ड, उनकी जो लिमिट थी वो थी 2 GB तक। उसके बाद में दोस्तों एसडी एचसी कार्ड, जिनकी जो लिमिट थी वो बन गई 32 GB तक, जिनको हमने नाम दिया एसडी हाई कैपेसिटी। और दोस्तों उसके बाद में जो आए हैं वो आए हैं एसडी एक्ससी कार्ड, यानी कि एसडी एक्सट्रीम कैपेसिटी, और दोस्तों उनकी जो लिमिट है वो है 2 TB तक। हालांकि हम आज तक वो कार्ड बना नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर में जरूर ही बना लेंगे। अब यहां पे दोस्तों जो कंपैटिबिलिटी है वो कुछ ऐसी है कि आपके पास में जो भी स्टैंडर्ड है, मान लीजिए आपके पास में एसडी एक्ससी वाला स्टैंडर्ड है, तो ऐसे में आप उसके नीचे के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो एसडी एचसी है, जो एसडी है, आप उनका सपोर्ट बड़े आराम से ले सकते हैं। यानी कि ये बैकवर्ड्स कंपैटिबल है, फॉरवर्ड कंपैटिबल नहीं है। अब इसलिए आपने देखा होगा अक्सर आपको देखने को मिलता है कि आपके फोन में 32 GB तक का मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका फोन जो है वो मान लीजिए सपोर्ट करता है एसडी एचसी को, तो वो 32 GB तक का कार्ड दोस्तों जो वहां पर आप लगा पाएंगे, आप उसमें 64 या फिर 128 GB का कार्ड नहीं लगा पाएंगे। कभी कभी आपको वहां पर लिखा मिलता है कि आप 2 TB तक का कार्ड लगा सकते हैं, इसका मतलब ये कि आपके फोन में जो सपोर्ट आपको मिलता है वो मिलता है एसडी एक्ससी का। या फिर आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि आपको 128 GB का कार्ड लगाने की ऑप्शन है, या फिर आप 64 GB का लगा सकते हैं, तो वो दोस्तों बहुत बार मैन्युफैक्चरर्स उस 2 TB की टर्म को यूज नहीं करते, वो थोड़ा सा रियल रहते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट में भी मैक्सिमम कार्ड जो है वो कितने जीबी तक का मिल रहा है, और वो बाद में उसी चीज को अपने स्पेसिफिकेशंस में डाल देते हैं। अब यहां पे दोस्तों ये जो स्टैंडर्ड्स हैं एक अलग चीज है, लेकिन यहां पे एक और चीज हम निकल के आती है, वो है दोस्तों फाइल सिस्टम। आपके पास में एसडी कार्ड चाहे 1 GB का हो, चाहे 128 GB का हो, आपको दोस्तों वहां पे अगर डेटा को स्टोर करना है, डेटा को आपको रीड राइट करना है, तो इसलिए दोस्तों आपको चाहिए होगा एक फाइल सिस्टम, जो कि सबसे कॉमनली हम यूज करते हैं दोस्तों, वो है FAT32, मान लीजिए NTFS या फिर XFAT वगैरह। अब ऐसे में दोस्तों ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये डेवलप किए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। और अगर हमसे बात करता हूं एसडी कार्ड्स की, तो यहां पे जो एसडी एचसी कार्ड है, जो एसडी कार्ड्स हैं, वहां पे दोस्तों आपको देखने को मिलता है FAT32, लेकिन एसडी एक्ससी कार्ड्स में दोस्तों यहां पे जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो है XFAT का। अब अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है, अगर यहां पे कोई भी ऐसा, चाहे वो डिवाइस बनाने वाला हो, चाहे वो मोबाइल फोन बनाने वाला हो, उनको दोस्तों अगर यूज करने हैं उन फाइल सिस्टम्स को, तो एक रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, लाइसेंस पे करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट को, क्योंकि वो उनके द्वारा डेवलप किए गए स्टैंडर्ड्स को यूज कर रहे हैं। अब देखिए जो FAT32 है दोस्तों, उसकी जो लिमिट है वो है 4 GB के फाइल साइज की। कि यहां पे आपने अक्सर देखा होगा आपके पास में पेन ड्राइव है, मान लीजिए वो 32 GB का है, उसमें स्पेस पूरी खाली पड़ी है, लेकिन अगर कोई मूवी आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड है जो मान लीजिए 8 GB की है, तो आप उस मूवी को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर ही नहीं पाएंगे, अगर आपका पेन ड्राइव जो है वो आपने फॉर्मेट किया है FAT32 में। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बात करता हूं XFAT की, तो यहां पे बेसिकली कोई लिमिट नहीं है, आप चाहें तो बड़ी फाइल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस देना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को। तो यहां पे दोस्तों अक्सर क्या करते हैं जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं रेडमी नोट 3 का। अब देखिए रेडमी नोट 3 में दोस्तों जो आपको बताया गया स्पेसिफिकेशंस में, वो ये है कि आपको यहां पे 32 GB तक का मेमोरी कार्ड लगाने की जो परमिशन है, लेकिन वहां पे जो दोस्तों कार्ड स्लॉट है वो है एसडी एक्ससी कैपेसिटी का, यानी कि आप उसमें 128 GB लगा सकते हैं, 200 GB का लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको जो फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा दोस्तों, वो यूज करना पड़ेगा FAT32 का। अब आप अगर
एक मेमोरी कार्ड लगाते हैं अपने फोन में तो क्या पता आपको पॉपअप आ जाए कि आपने कार्ड को फॉर्मेट कीजिए। आप जैसे फॉर्मेट क्लिक करते हैं वो हो जाएगा फैट 32 में, बाद में उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी थर्ड पार्टी फॉर्मेटर से भी दोस्तों यहाँ पे कार्ड को फॉर्मेट करते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। विंडोज में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप 64 GB से ऊपर का कोई भी डिवाइस लगा लेंगे, चाहे वो पेन ड्राइव हो चाहे वो मेमोरी कार्ड हो, आपको फैट 32 से फॉर्मेट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड करके दिया है वो दिया है एक्स फैट का, ताकि दोस्तों वहां पर मिल सका बहुत सारा पैसा। एक और बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो आपसे मैं बात करता हूँ OTG ड्राइव्स की, अगर आपका फोन OTG को सपोर्ट करता है तो कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, चाहे 64 GB का पेन ड्राइव हो, चाहे 128 GB का पेन ड्राइव हो, चाहे 256 GB का पेन ड्राइव हो, एज लॉन्ग एज आपका फोन दोस्तों उस फॉर्मेट को रीड कर सकता है आप उस कार्ड को लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके फोन में एक्स फैट का जो सपोर्ट है वो नहीं है और आप लगाते हैं एक्स फैट वाला पेन ड्राइव तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको फॉर्मेट कर दें फैट 32 में तो वो सपोर्ट कर लेगा। इसी तरीके से दोस्तों जो हार्ड ड्राइव्स हैं वहां पे कोई भी लिमिट नहीं है ऐसा कि आप 1 TB तक के लगा सकते हैं 2 TB तक के लगा सकते हैं। जो लिमिट है वो सिर्फ आती है दो चीजों पे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो फोन है वो उस OTG पोर्ट के थ्रू कितनी पावर प्रोवाइड कर रहा है। कई बार जो फोन से दूसरे पुराने होते हैं वहां पे शायद दोस्तों आपको आउटपुट में इतनी पावर ना मिले, तो शायद इसीलिए वो 1 TB या फिर 2 TB के हार्ड ड्राइव को रन ना कर पाए। दूसरी बात जो ये है वो ये है कि वो जो हार्ड ड्राइव है दोस्तों वो आपने किस फॉर्मेट में फॉर्मेट करके रखी है। अगर वो फैट 32 है तो आपके फोन में चल जाएगी, प्रोवाइडेड कि आपका फोन उसको सफिशिएंट पावर सप्लाई कर सके। और अगर वो NTFS वगैरह है तो फिर तो आपके पास में चाहे लेटेस्ट फोन है वो नहीं चलेगी। तो दोस्तों यहां पे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे अपने फोन्स में ज्यादा कैपेसिटी मेमोरी कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। जो लिमिट है वो है दोस्तों SD, SDHC और SDXC की, साथ ही साथ कुछ केसेस में वो जो फाइल फॉर्मेट है फैट 32 हो या फिर एक्सफैट हो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं NTFS के बारे में, फैट 32 के बारे में, एक्सपैट के बारे में, HFS वगैरह के बारे में, कि कैसे कैसे आप किस किस फॉर्मेट को किस किस OS में यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।